फौजी साहब, मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं भी अपने सीने पे गोली खाना चाहता हूँ फौजी साहब। अगर तुम देश की सेवा करना चाहते हो तो गोली खाना जरूरी नहीं है, या फिर किसी से मारपीट करना जरूरी नहीं है। गोली खाने से कोई बड़ा नहीं होता। अगर देश की सेवा करना है तो तुम पुड़िया खा के सही जगह पे ही थूको, वही देश के लिए बहुत है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि चीन हमको आंख दिखा रहा है। कितना मुश्किल होता होगा ना चीन को आंख दिखाने में। अगर चीन नहीं सुधरेगा तो हमारे सरकार ने कहा है बहुत जल्दी उसको हम करारा जवाब देंगे, वो भी उसकी भाषा में। क्या सरकार, बोलने से पहले सुन तो लीजिए मेरी बात। चीन की भाषा सीखने में समय कितना लगेगा ये तो मालूम ही नहीं है हमें। अजी फौजी साहब, सुने हैं कि पाकिस्तान वाले बिना मतलब के फायरिंग कर रहे हैं और हमारे आदमी को मार रहे हैं। आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? सरकार कुछ बोलिए तो सही। पाकिस्तान वाले भाइयों से फौजी साहब से यही कहना चाहते हैं कि सब अपने भाई है, किसी का खून ना बहाए। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है, फिर भी मैं एक छोटी सी शब्द में एक बात समझा रहा हूँ आपको कि एक बात आप समझ लीजिए। आपके यहाँ पे जितने आदमी है उससे बेसी आदमी तो हमारे यहाँ के जियो का सिम चलाते हैं। पाकिस्तान सुन रही है मेरी बात? मैं इसलिए टेंशन में नहीं रहता कि तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझसे युद्ध करूंगा तो तेरा हानि होगा, बल्कि मैं इस बात पर टेंशन रहता हूँ कि अगर तुझसे युद्ध करूँ तो इतिहास में एक और सिलेबस बढ़ जाएगा जिसका नाम होगा एक था पाकिस्तान। बिल्लू, अगर तुम्हें फौजी बनना है तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट हो गई है युद्ध। फौजी आगे बढ़ो, नौजवान आगे बढ़ो। क्या हुआ बिल्लू, तुम आगे क्यों नहीं बढ़े? अजी सरकार, आपने ही तो कहा था फौजी आगे बढ़ो, नौजवान आगे बढ़ो। आपने तो सिर्फ नौजवानों को कहा था, लेकिन मैं तो 10वें नंबर पर था। सुनो बिल्लू, तुम नाराज मत हो, तुम एक ना एक दिन जरूर फौजी बनोगे। सच्चे दिल से जो प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। तुम एक दिन जरूर फौजी बनोगे। जी सरकार, भगवान अगर सबकी प्रार्थना सुन लिए होते तो आज आप हमारे घर में चपरासी होते, फौजी नहीं बनते।